हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 28 साइज़ का बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर आपको स्लीव्स डिज़ाइन भी बताऊँगी। तो एक ही वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगी। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और स्टिचिंग वाला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दूंगी स्टिचिंग से रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर लूँगी। जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 13.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि 12.5 इंच मुझे लेंथ तैयार रखनी है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग की है 13.5 इंच पर। और अब यहाँ पर हमें बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लेना है। अगर आप किसी अलग साइज़ का बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ बोट नेक चार्ट की, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 28 साइज़ का बोट नेक बना रही हूँ, तो उसके लिए मेज़रमेंट लिया है शोल्डर का 6.25 इंच, 6.25 इंच लिया है और आर्म होल्स लिए हैं मैंने 6 इंच। तो यहाँ पर देखिए, शोल्डर आर्म होल्स इस तरीके से मैंने लिए हुए हैं। शोल्डर 6.25 इंच लिए हैं, आर्म होल्स 6 इंच लिए हैं। यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट 28 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट यहाँ पर चौथा भाग होगा 7 इंच। इस तरीके से चेस्ट की लाइन बना ली है हमने और इस तरीके से आर्म होल्स की गहराई कर दी है। अभी हम यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। कमर है 24 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 6 इंच। 2 इंच में यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। मैंने मार्जिन इसमें 2 इंच रखा है और 1 इंच बैक पार्ट में हम जो प्लेट्स लगाएंगे उसके लिए लिया है। तो बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 28 साइज़ का ब्लाउज़ है, जो कि काफ़ी कम साइज़ होता है। और इस तरीके के जो ब्लाउज़ होते हैं, उनकी कटिंग करते समय हमें बहुत ही मेज़रमेंट का ध्यान रखना होता है। तो आपको देखिए, अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो इस तरीके से कटिंग करनी है। डीप नेक के लिए मैं जल्द ही आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी 28 साइज़ का। तो ये कम साइज़ है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसके ब्लाउज़ नहीं आते हैं। इसके इस तरीके के कम साइज़ के भी ब्लाउज़ हमें स्टिच करना आने चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करके सबसे पहले कपड़े को सीधा करूँगी नीचे की तरफ से, और लेना है हमें फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा। 1/2 से 1.25 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिएगा, ताकि आगे पीछे का जो पार्ट है आपका बराबर रहे स्टिचिंग के समय। तो हमने यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा ले लिया है 1/2 इंच, और बैक पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पर बैक ओपन बना रही हूँ। बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर हम एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमने यहाँ पर बैक पार्ट को रखकर मार्किंग कर लिया। बैक पार्ट को हटा लिया है मैंने। 1 इंच हम यहाँ से लेंगे एक्स्ट्रा इस तरीके से। ये हमें प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए लेना है। यहाँ से मैं 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। 1 इंच ऊपर से लिया है और 2 इंच मैंने नीचे से लिया है। तो इतना मैंने मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा लिया हुआ है यहाँ पर प्रिंसेस कट की कटिंग करने के लिए। तो इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हुए हम कट कर लेंगे इसे। नीचे से भी जो लाइन ड्रॉ की है हमने, उसे भी कट करके सीधा कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने से पहले इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को बराबर रखना है और करना है शोल्डर को डाउन। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ 1/2 इंच से भी थोड़ा कम शोल्डर डाउन, क्योंकि कम साइज़ का ब्लाउज़ है। तो देखिए, 1/2 इंच से भी जो आधा पॉइंट होता है, वो मैंने यहाँ पर लेते हुए शोल्डर को डाउन किया है। जिसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं, उसमें हमें इस तरीके से शोल्डर डाउन करने होता है। और नेक की विड्थ ले रही हूँ मैं 3.5 इंच। अगर आप थोड़ा ब्रॉड में पहनना चाहें तो 4 इंच तक भी ले सकते हैं। 3.5 इंच नेक की विड्थ लेते हुए मैंने मार्क कर लिया है यहाँ पर। गला चौड़ाई 3.5 इंच लिया है मैंने, 3.5 इंच लिया है। यहाँ से देखिए, हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करनी है, तो वो करनी है 3 इंच पर। 3 इंच लिया है विड्थ में, और ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10 इंच पर। 10 इंच पर टक्स पॉइंट लिया है इस तरीके से। ये लाइन मैंने टक्स पॉइंट के लिए ड्रॉ की है यहाँ पर। और यहाँ से हमें मेज़रमेंट चेंज करना होता है। यहाँ पर लेना है हमें 3.25 इंच, 3.25 इंच यहाँ पर लिया है। और इस तरीके से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर ली है हमने। ये लाइन जो हम ड्रॉ कर देंगे, थोड़ी सी तिरछे में आनी चाहिए। और इस तरीके से हम यहाँ पर इसे आर्म होल्स की तरफ मिला देंगे। फिर यहाँ से मेज़रमेंट लेना है 1.5 इंच,
डेढ़ इंच मैंने यहाँ से लिया है और इसे लेंथ में लेना है। ये विड्थ में डेढ़ इंच लिया है, लेंथ में 2 इंच लेना है, 2 इंच लिया है लेंथ में। और इस तरीके से ये वाली लाइन, छोटी लाइन सीधी ड्रॉ करते हुए इस तरीके से हम प्रिंसेस कट का शेप कर देंगे और हाफ इंच हम ऊपर की तरफ यहाँ पर इसे मिला लेंगे इस तरीके से। तो देखिए प्रिंसेस कट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ लिए हमने 3.5 इंच, 3.5 इंच, और नेक की लेंथ भी मैं इतनी ही रख रही हूँ इस तरीके से। आप चाहें तो 3.5 से 4 इंच तक भी ले सकते हैं नेक की लेंथ। बोट नेक में देखिए फ्रंट नेक हमारा ज़्यादा डीप नहीं होता है और इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट की करेंगे कटिंग। तो कटिंग आपको यहाँ पर ऐसे करनी है, हल्का सा यहाँ पर शेप देंगे इस तरीके से और प्रिंसेस कट का पार्ट को इस तरीके से हम कट करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि कम साइज़ का ब्लाउज़ है तो इसमें पफ नहीं आया है, स्टिचिंग के समय आप देखिएगा काफ़ी अच्छा पफ इस ब्लाउज़ में आया है। तो देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर बैक पार्ट को रखेंगे और नापेंगे यहाँ पर आर्मोस। तो 2 इंच मैंने मार्जिन का छोड़ दिया है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए 5.5 इंच आ रहे हैं हमारे आर्मोस। यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है, 1/2 इंच इसमें प्लस करके। बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर। और जो स्लीव्स की लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। मैं यहाँ पर छोटी स्लीव्स ही बना रही हूँ तो मैं 4.5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लूँगी, 4.5 इंच पर। और इस तरीके से हमने जो बैक पार्ट का आर्मोस नापा था 6 इंच, उसे हम यहाँ पर इस तरीके से ले लेंगे। और ये वाला आर्मोल जो हमने नापा था वो मैंने यहाँ पर लिया है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पर। अब हमें डाउन करना है स्लीव्स को, तो छोटी स्लीव्स को हम 2.5 इंच पर डाउन करते हैं, बड़ी स्लीव्स को करते हैं 3 इंच पर। और इस तरीके से मैंने तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है आर्म होल्स का नाप के और 2 इंच मार्जिन का नाप के हमें स्लीव्स का शेप कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे दिया है। स्लीव्स राउंड है मेरा 10 इंच, उसका मैं हाफ ले लूँगी यहाँ पर 5 इंच और ले लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है हमारे आर्म होल्स नाप कर स्लीव्स की कटिंग करने का। तो देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है और ये गहराई हम इस तरीके से यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई कर देंगे। साथ ही साथ हम मार्किंग कर लेंगे ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रख के कट करेंगे। तो जो बॉर्डर वाला पार्ट है वहाँ से मैं बॉर्डर वाले पार्ट को डबल फोल्ड करके स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर ली है, 2 तरफ बॉर्डर है इस पीस में, तो मैं 1 तरफ के बॉर्डर से निकाल लूँगी बैक पार्ट। एक बॉर्डर आ गया है हमारा स्लीव्स की तरफ और एक बॉर्डर आ जाएगा हमारा बैक पार्ट में। तो इस तरीके से हम मेन फैब्रिक को थोड़ा बढ़ाकर कट करेंगे ताकि जोड़ते समय हमें प्रॉब्लम ना आए। फैब्रिक अगर थोड़ा बड़ा होता है तो फिनिशिंग के साथ अस्तर अटैच हो जाता है उसमें। अब बचे हुए फैब्रिक में से हम आगे के पार्ट कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कर लिया है इस तरीके से। सभी पार्ट मेरे यहाँ पर कट हो गए हैं। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर पेपर पेस्टिंग, उस पर बनाऊँगी मैं बैक पार्ट में। नेक के लिए हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को मैंने इस तरीके से रखा है और नेक की विड्थ रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच नेक की विड्थ ली है और बैक पार्ट की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 इंच ले रही हूँ और नीचे से मैंने 4 इंच पे मार्क किया है इस तरीके से ब्रॉड के लिए। तो पीछे का जो नेक है वो आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ब्रॉड रख सकते हैं। 2.5 इंच पर इस तरीके से मार्क किया है मैंने और यहाँ पर इस तरीके से हम शेप कर देंगे। और यहाँ पर इस तरीके से मैं इस तरीके से शेप बना रही हूँ ब्लाउज़ में बैक पार्ट में। तो ये वाला जो नेक है वो बहुत ही मतलब चलता है बोट नेक में और काफ़ी लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं और पहनने पे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो मैं ये वाला नेक यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ आपको।
ये पेपर पेस्टिंग लगाने से हमारे नेक में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए अब हम इसे एक्स्ट्रा, मैंने साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर लेंगे हम, और अब सेंटर से कट कर लेंगे। 1/2 इंच ऊपर से मैंने छोड़ दिया है, इससे हमारी जो गले की चौड़ाई होती है वो बराबर रहती है। इसे छोड़ते हुए मैंने इस तरीके से कट करेंगे हम, और जो हमारा नेक के नीचे वाला जो पॉइंट है उसे भी मैंने कट नहीं किया है, उसे भी हम इसी तरीके से रहने देंगे। वो मैं आपको स्टिचिंग के समय बता दूंगी आपको किस तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रख लिया है, और अब फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ली है, और नेक की विड्थ तो मैंने आपको बता दी है, मैंने 3.5 इंच ली है। नेक की लेंथ मैं यहाँ पर थोड़ी बढ़ा कर ले रही हूँ 4 इंच पर, और इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लेंगे हम। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर बोट नेक का शेप कर देंगे इस तरीके से, और साइड से 1 इंच या 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करेंगे। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है, और इन दोनों ही पेपर पेस्टिंग को आपको प्रेस से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अच्छे से चिपका लेना है। ये देखिए नेक हमारा यहाँ पर कटिंग हो गया है। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, इसके ऊपर हम इसे प्रेस से अच्छे से चिपका लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही पार्ट को चिपका लिया है, और देखिए काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि ये क्या होता है। तो ये होती है पेपर पेस्टिंग, जिसमें हम इसे नेक में बनाते हैं, और काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि प्रेस से चिपकता नहीं है। तो जी हाँ, मैं जानती हूँ ये मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आती है इसे चिपकाने में, ये नॉर्मल प्रेस से नहीं चिपक पाता है। तो देखिए मैं इसके लिए आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आप इसे हल्का सा प्रेस से चिपका लें, और उसके बाद इसमें सिलाई लगाकर इसे इस तरीके से अटैच कर सकते हैं आप। तो ये बनने के बाद भी फिनिशिंग से रहता है, अपनी जगह से नहीं हिलता है। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे अटैच कर लिया है। चिपकाने के बाद भी मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पर, और क्योंकि ये पलटने के बाद कभी कभी खुल जाता है, तो सिलाई लगाने से परफेक्ट अटैच हो गया है कपड़े के साथ। तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को अस्तर के फैब्रिक के साथ इस तरीके से अटैच कर लेंगे। हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सली या क्रीस ना रहे। तो चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कर लिया है। करने के बाद हम यहाँ पर सेंटर मार्किंग कर लेंगे, और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे दोनों ही पार्ट को। ये देखिए दोनों पार्ट को पहले आपको आमने सामने रखना है, उसके बाद सिलाई लगाकर अटैच करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट के पार्ट को अटैच करेंगे। मैं आपको दोनों ही पार्ट अटैच करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको रखना है नीचे की तरफ से ही इसे अटैच करना होता है, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे अटैच करें आप इस तरीके से। कोई भी पार्ट आपको खींचना नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है मैंने, दूसरी सिलाई भी हम इसके ऊपर लगा लेंगे। देखिए इसमें कितना अच्छा पफ भी आ गया है, और सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी नीचे से ही अटैच करेंगे। ऊपर से नहीं करना होता है आपको, आर्म होल्स की तरफ से नहीं करेंगे, नीचे से ही करेंगे, क्योंकि जोड़ते समय थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसे हम गहराई करके बराबर कर देते हैं। तो अभी आप इसी में देखेंगे कि मैं किस तरीके से गहराई करती हूँ आर्म होल्स की। अब करना है हमें इसका सेंटर मार्किंग नेक के लिए, तो हम इसे बराबर करेंगे शोल्डर की तरफ से, अच्छे से हमें बराबर कर लेना है, और गहराई कर देंगे सबसे पहले हम इस तरीके से। तो 1/2 इंच की आपको यहाँ पर गहराई देनी होती है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा और यहाँ पर कट कर रही हूँ। गहराई देने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पैक कर लेंगे दोनों ही तरफ से, उसके बाद कर लेंगे सेंटर मार्किंग नेक बनाने के लिए। तो इस तरीके से शोल्डर की तरफ से बराबर करते हुए सेंटर में कट लगाना है, उसके बाद चौक से नीचे की तरफ मार्किंग कर लेनी है। तो ये मार्किंग मैंने कर ली है, और नेक के सेंटर मार्किंग और ब्लाउज़ के सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए एक सीधी सिलाई हम लगा लेंगे इस तरीके से, और जो हमारा नेक बना हुआ है पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई ले लेंगे हम।
एक तरफ लगा ली है, दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद छोटे छोटे से कट लगा लेंगे पूरे ही नेक के ऊपर, और एक सिलाई हम इसे इस तरफ करके लगा लेंगे। ये पट्टी के इस तरफ करते हुए हमने सिलाई लगा ली है, और आप अंदर की तरफ इसमें तुरपाई भी करनी होती है हमें। तो ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो गया है। उसके बाद हम नीचे से इसे करेंगे बराबर और लगा लेंगे नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी ली है मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में, और इसे एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगा लेंगे। और एक सिलाई हम इस तरफ करके लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं बड़े टाके से सिलाई लगाने के बाद। देखिए फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट तैयार। तो देखिए इस तरीके से आपको रखना है, चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर ये पार्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर इसकी करेंगे हम सेंटर मार्किंग जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में की थी, और यहाँ पर चौक से भी मार्किंग कर लेंगे हम। इसके बाद हम बैक नेक को रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए जिस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट का नेक रेडी किया था, उसी तरीके से मैंने बैक पार्ट का भी नेक रेडी किया है। और यहाँ पर इसे रखने के बाद हम पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। जो ये पॉइंट वाला पार्ट है हमारा, उस पर देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। बीच में मैंने हल्की सी गैप छोड़ दी है कट लगाने के लिए इस तरीके से, और कॉर्नर बनाते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ हल्की गैप छोड़ी है ताकि हम इसे बीच में से कट कर लें और हमारी सिलाई ना यहाँ पर कट हो। एक तरफ लगा ली है मैंने सिलाई, दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। उसके बाद सेंटर से कट कर लेंगे, और फिर साइड से कट करके पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। कट मैंने लगा ली है, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे, और कैंची की मदद से या कोई भी नोक वाली चीज़ या पेचकस से आप इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लें। हल्का हल्का प्रेस करते हुए निकालेंगे तो ये कॉर्नर आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए हमने दोनों ही कॉर्नर निकाल लिए हैं, और यहाँ पर इसे अंदर की तरफ करना है। और मैं इस पर प्रेस लगा लूँगी क्योंकि मैं ऊपर सिलाई नहीं लगा रही हूँ यहाँ पर, और फिनिशिंग से प्रेस कर लेंगे हम। तो यहाँ पर ये नेक हमारा देखिए इस तरीके से बन गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये नेक। उसके बाद मैं आपको स्लीव्स बता रही हूँ। तो देखिए स्लीव्स पे सबसे पहले हम जॉइंट लगा लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर वाला पार्ट कम है। तो फिनिशिंग के साथ यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर लगा के साइड में रख दी है स्लीव्स, और अस्तर वाले स्लीव्स के पार्ट को हम रखेंगे इस तरीके से बराबर। यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे, और यहाँ पर शेप देने के लिए डिज़ाइन के लिए मैं विड्थ में ले रही हूँ, लेंथ में लिया है मैंने 2.5 इंच, 2.5 इंच लिया है, और सेम इतना ही मैंने विड्थ में भी लिया है ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पर हल्का राउंड शेप बना लेना है इस तरीके से, और हम इसे कट कर लेंगे। देखिए कट मैंने कर लिया है, और इस पार्ट को हमें फेंकना नहीं है, इसे भी साथ में रखना है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मैंने, पट्टी ली है बड़ी सी मेन फैब्रिक की ही, और यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लेट्स हमें बना लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो ये जो राउंड सर्कल हमारा कट हुआ है वहाँ पर हम ये प्लेट्स को लगाएंगे। और ये वाले जो डिज़ाइन है अभी स्लीव्स में, ये काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी चल रही है ये वाली डिज़ाइन, और आप इसे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं, और पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। एक तरफ मैंने प्लेट्स लगा ली हैं, सेम इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी प्लेट्स लगा लूँगी। और आप चाहें तो इन प्लेट्स के ऊपर प्रेस करके आप इसे सेट भी कर सकते हैं ताकि अच्छी तरीके से एक जैसे बैठ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर इसमें पफ नहीं चाहिए, ये पफ स्लीव्स नहीं बना रहे हम,
सिर्फ डिज़ाइन के लिए यहाँ पर प्लेट्स लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, और ये जो हमने पार्ट यहाँ पर कट किया था इस पे हम इस तरीके से नाप के सिलाई लगा लेंगे। इसे सिलाई के साथ हमें अटैच नहीं करना है, सिर्फ इसके साथ से सिलाई लगानी है हमें, ताकि ये प्लेट्स अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है यहाँ पर, अब हमें करनी है स्लीव्स तैयार। तो हमें बॉर्डर वाला पार्ट रखना है ऊपर सीधी तरफ, और यहाँ पर रखेंगे हम अस्तर वाली स्लीव्स। एक पिन लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर सर्कल वाला पार्ट पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने फिनिशिंग के साथ लगा ली है, और सेम इसी तरीके से एक पैर का मार्जिन रखते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर देंगे यहाँ पर हम कट, और यहाँ सर्कल वाला जो पार्ट है वहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स को पलट लेंगे, इसे हमें कर लेना है सीधा। तो देखिए मैंने हाथ से यहाँ पर फिनिशिंग कर दी है, स्लीव्स को सीधा कर लिया है, और यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे हम नीचे से। साइड से भी हम सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है, और मैंने लिया है यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसे मैंने इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है इस तरीके से, ताकि अंदर की तरफ हमारे धागे ना निकले डिज़ाइन पे। और जो हमारा ये वाला पार्ट है उसे हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, और पिन से इसे अटैच कर लेंगे, ताकि हमारा सर्कल बिल्कुल बराबर से आए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमें इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाना है, और बीच वाला जो फैब्रिक है उसे हम बाद में निकाल देंगे। एक सिलाई यहाँ पर कॉर्नर की लगाएंगे। ये देखिए हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर देंगे कट, और इस तरीके से नीचे अंदर जो कपड़ा है उसे भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करनी है, यहाँ पर प्लेट्स के ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद कर लेना है इसे फोल्ड, और बाद में कर लेंगे हम इसे हाथ से तुरपाई, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखेगा अंदर से भी और बाहर से भी। ये देखिए हमारी स्लीव्स बनके तैयार हो गई हैं। दूसरी स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। और देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट कितना अच्छा लग रहा है, और इसके बाद यहाँ पर हम बैक पार्ट को कर लेंगे ओपन बीच में से। सेंटर में जो मैंने मार्किंग किया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। यहाँ पर लगा लेंगे हम हाई की पट्टी। तो हाई की पट्टी देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ फिनिशिंग से, आपको भी इसी तरीके से लगानी होती है। इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हम इस तरीके से लगा लेंगे, और साइड से भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी पट्टी उठी हुई ना लगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है, और लगा लेंगे हम इस तरीके से प्लेट्स यहाँ पर। दूसरी तरफ लगा लेंगे हम हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को डबल फोल्ड करके लिया है मैंने। तो देखिए मैंने यहाँ पर हाई हुक की पट्टी तैयार कर ली है, और यहाँ पर हम इस तरीके से प्लेट्स भी लगा लेंगे। अब हमें दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो नीचे से कट करके बराबर कर लें। अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। तो बैक पार्ट की जो हमारी पट्टी है नेक की, उसे रखेंगे हम बाहर की तरफ, और फ्रंट पार्ट को रखेंगे हम इस तरीके से इसके ऊपर, और यहाँ पर आधा इंच का गैप देते हुए सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर।
बैक पार्ट की पट्टी को बाहर की तरफ करते हुए। अब हमें देखिए क्या करना है, बैक पार्ट की पट्टी को रखना है फ्रंट पार्ट के ऊपर शोल्डर के इस तरीके से। दूसरी तरफ का भी हम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर एक सिलाई मैंने कॉर्नर की लगा ली है। अब हम अपने शोल्डर को खोलेंगे तो हमारे शोल्डर देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ दिखेंगे। अब करेंगे हम स्लीव्स को जॉइंट। तो हमेशा स्लीव्स को आपको शोल्डर की तरफ से ही जॉइंट करना होता है यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे, सेंटर से ही करना होता है आपको। सेंटर में हमारे स्लीव्स के कट को हम शोल्डर के ऊपर रखते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए जॉइंट करते हैं। और देखिए हम दोनों तरफ की स्लीव्स इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। और यहाँ पर स्लीव्स पे आपको डबल सिलाई लगानी होती है। ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव्स जॉइंट हो गई है। अब करेंगे हम फ्रंट पार्ट के सेंटर में मार्किंग इस तरीके से। ये करना प्रिंसेस कट में बहुत ही ज़रूरी होता है। और बैक पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर। इससे क्या होगा कि देखिए हमारे सेंटर मार्किंग स्लीव्स के जॉइंट से सेंटर से मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। और देखिए हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो साइड में कट आ गया है तो उसे हम कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। अब देखिए हमने ब्लाउज़ को अपने उल्टा कर लिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो ब्लाउज़ को इस तरीके से रखकर हम सबसे पहले एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद करेंगे हम सेंटर मार्किंग चेस्ट और वेस्ट की। सेंटर मार्किंग से हम ले लेंगे चेस्ट और वेस्ट का फोर्थ पार्ट, तो वो है 7 इंच। और नीचे से कमर का है 6 इंच। स्लीव्स राउंड है हमारा 5 इंच। तो स्लीव्स आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। और यहाँ पर लगा लेंगे हम फिटिंग की सिलाई इस तरीके से। एक सिलाई मैंने लगा ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपको लगा लेनी है। और यहाँ पर इसी फैब्रिक का मैंने लूप बनाया है, पीछे बटन लगा लिया है। तो ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मुझे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।